नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन ऐप के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपके मोबाइल में अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, ये पांच बेहतरीन ऐप आपके स्टॉक मार्केट सीखने, आपको स्टॉक मार्केट से अपडेट रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। इन पाँच ऐप को आप अपने मोबाइल में ज़रूर रखें अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो। ये दोस्तों सबसे पहला जो ऐप है वो है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल ऐप मैं शुरू से यूज करता हूँ, जब से मैं स्टॉक मार्केट में आया हूँ। स्टॉक मार्केट में आने के बाद मैं मनी कंट्रोल को ही सब दिन यूज़ किया है। अभी भी मोबाइल में सबसे ज़्यादा मैं मनी कंट्रोल को ही यूज़ करता हूँ। काफ़ी बेहतरीन ऐप है, जितना कहा जाए उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने भी मिलेगा। खास करके कॉर्पोरेट टैक्सन और डिविडेंड का अगर रिकॉर्ड देखना हो तो ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है। साथ साथ अगर पीयर्स देखने हो, किसी कंपनी कौन कौन से पीयर्स हैं उसके कंपेयर करना हो, तो भी ये ऐप काफ़ी बेहतरीन है। देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा जब मनी कंट्रोल ऐप में आप लॉगिन कर लेते हैं। डिटेल में हम किसी वीडियो में बात करेंगे कैसे मनी कंट्रोल ऐप आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप ओपन करते हैं, यहाँ सबसे पहले इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे इसको लेफ्ट साइड करेंगे तो ग्लोबल इंडेक्स यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब एक ऐप, इसमें सारी खूबियाँ हैं, सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगा। फिर नीचे आते हैं तो जो टॉप गेनर है आज का मार्केट का, आज जो मार्केट क्लोज हुआ तो उसमें जो टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, मार्केट के दौरान भी मिल जाएंगे। आप जो है 9 बजे खोलेंगे उस समय भी मिलेगा, 10 बजे भी मिलेगा, मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा तो हर समय आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर। फिर यहाँ पर 52 वीक हाई, 52 वीक लो, साथ ही साथ कौन एक्टिव वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको हम एक डिटेल वीडियो में सिखाएंगे। साथ ही साथ जो भी स्टॉक आपने लास्ट विजिट किया है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे आते हैं तो कमोडिटी करेंसी जो है वो मिल जाएंगे। ये सारी कमोडिटीज़ है, यहाँ पर सारी करेंसी है, जो US डॉलर है, INR है, यूरो वर्सेस INR, GPV वर्सेस INR, JPY वर्सेस INR, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाती हैं। तो इतना खूबसूरत ये ऐप है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड, कौन कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड है, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो आपको यहाँ रिकमेंड करता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, देखिए डेट म्यूचुअल फंड। फिर यहाँ पर SIP कॉर्नर, जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है उसमें जो SIP कॉर्नर है वो आपको दिखा रहा है। फिर नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़ है, न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट हैं उनका व्यू यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे। मतलब ये एक ऐप, और इस ऐप में इतनी सारी खूबियाँ हैं, इसे मैं शुरू से यूज करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। और सबसे बेहतरीन बात, इसमें आप स्टॉक को सर्च करके किसी भी स्टॉक को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च बार कॉर्नर में रहता है, यहाँ कॉर्नर में, जैसे देखिए यहाँ फिर से बैक जाते हैं, यहाँ कॉर्नर में सर्च बार है, तो इस सर्च बार पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको स्टॉक सर्च करना है, जैसे हम TCS को करना चाहते हैं, TCS लिखिए और ये स्टॉक यहाँ पर देखिए आ गया। TCS का फ्यूचर हो उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, TCS का स्टॉक है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। हम स्टॉक पर क्लिक करते हैं और स्टॉक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ स्टॉक का नाम हो गया, प्राइस हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे आप नीचे ओवरव्यू, ओवरव्यू में यहाँ सारा चीज़ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है स्टॉक के बारे में, स्टॉक का मार्केट कैप कितना है, PE कितना है। शुरू में मैं स्टॉक मार्केट में जब आया था तो शुरू में मैं सारी चीज़ें यहीं से एनालाइज करता था, कितना ये डिविडेंड यील्ड है, क्या फेस वैल्यू है, क्या PE है, सारी चीज़ें। और जैसे यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसका देख सकते हैं, इस स्टॉक का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, क्या न्यूज़ है इस स्टॉक में। अभी भी न्यूज़ देखने के लिए आप, मैं इसी ऐप का यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आराम से आपको अच्छे से सारे न्यूज़ मिल जाते हैं। फिर यहाँ टेक्निकल एनालिसिस भी देख सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी देख सकते हैं। फिर फोरम पे आकर के डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट है उसका व्यू देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मार्केट डिप देख सकते हैं कि कितना, मतलब बाय क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी कितना है। कॉर्पोरेट टैक्सन, ये तो काफ़ी खूबसूरत इसमें फंक्शन है, कितना बोनस शेयर का रिकॉर्ड है देख सकते हैं। पीछे के आपको सारे 1980 से लेकर के अभी तक के सारे बोनस शेयर के रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे। स्टॉक के स्प्लिट का क्या रिकॉर्ड है वो आपको दिखाएंगे, कब कब राइट इश्यू आया वो दिखाएंगे, कब कब AGM में कौन बायबैक लाया है, कब देख सकते हैं डिविडेंड दिया है, कब बोनस दिया है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज है वो मिल जाएंगे, फिर पीयर कंपैरिजन, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पर इन्फो एंड मैनेजमेंट कंपनी का जो के बारे में डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर सबसे बेहतरीन है कि जो पीयर्स कंपैरिजन है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक्स है वो मिल जाएंगे, कौन कौन से इसके पीयर्स कंपैरिजन में देखने आपको मिलेंगे। पहला था मनी कंट्रोल ऐप, जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ और जब से मैं शेयर मार्केट में आया हूँ तभी से मैं यूज कर रहा हूँ। और दूसरा है अब टिकट ऐप, देखिए टिकट ऐप नया में जो आया है काफ़ी बेहतरीन ऐप है, और यहाँ पर खास करके अगर आप मोबाइल से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर चार्ट काफ़ी अच्छा दिखाता है, तो चार्ट के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें स्टॉक का स्क्रीनर भी दिया है, स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं,
मतलब यहाँ पे भी कई सारी खूबियाँ हैं। यहाँ पर देखिए आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे आप ऐप को खोलते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर कोई भी स्टॉक अगर सर्च करना हो तो नीचे देखिए यहाँ सर्च बार है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर नाम टाइप कीजिए। चलिए इसमें हम कोई नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे HUL टाइप कर लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान टाइप किए तो हिंदुस्तान पेट्रो एरोनॉटिक्स, तो यूनिलीवर टाइप करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए ऊपर में ही आ गया। इस स्टॉक पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इसके चार्ट भी आ गया। मतलब यहाँ पर आप 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 5 ईयर्स का, मैक्सिमम ईयर का चार्ट देख सकते हैं। तो मतलब यह टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है चार्ट पे। आप फिर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू है स्टॉक का, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, रिटर्न FD के वर्सेस कितना दे रहा है, डिविडेंड रिटर्न कितना है, एंट्री पॉइंट क्या है, क्या कोई रेड फ्लैग है स्टॉक में, तो ये सारी चीज़ें देखने मिल जाता है। फिर यहाँ पर आपको जो डिफरेंट की मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा, PE रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, सेक्टर का PE क्या है, सेक्टर का PB क्या है, सेक्टर का डिविडेंड यील्ड क्या है। फिर यहाँ पर जो एनालिस्ट का रेटिंग है देखते हैं, फोरकास्ट और रेटिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट है उसका रेटिंग क्या है वो मिल जाएंगे। अगर आप इसका प्रो वर्सन ले रखे हैं तो मेरे पास प्रो वर्सन है, मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाएगा, प्राइस क्या है, अर्निंग क्या है, रेवेन्यू का फोरकास्ट क्या है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो कंपनी का प्रोफाइल दिखाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ऑल जैसे सी ऑल ब्रांड करेंगे तो कंपनी के जितने भी ब्रांड है वो सारे आपको दिखाएंगे। यहाँ PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन है वो उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये जो पीर्स है इसको देख सकते हैं, पीर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स है उसका कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल ट्रेंड, जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर जो आप देखते हैं ग्राफ से देखते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड को, तो आराम से आप देख कर समझ जाते हैं कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इन सब चीज़ों को। फिर नीचे आते हैं तो जो होल्डिंग ट्रेंड है, प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है, शेयर प्लीज क्या है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग क्या है, इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरह से फिर नीचे आते हैं तो न्यूज़ दिखाता है, तो इस तरह का ये जो बेसिक एक क्विक रिव्यू था। आगे के वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से आप इसके ऐप को डिटेल में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है तीसरा ऐप स्टॉकेज, दोस्तों स्टॉकेज भी काफ़ी बेहतरीन ऐप है, और जो विवेक बजाज जी है अभी आप काफ़ी देखते होंगे उनको, कई सारे उनके चैनल्स हैं, इलर्न मार्केट, स्टॉकेज, तो स्टॉकेज को उन्होंने ही बनाया है, काफ़ी बेहतरीन पर्सन भी है और काफ़ी बेहतरीन उनका ऐप भी है। यहाँ पर आपको डाटा मिल जाएंगे, बहुत सारे डाटा जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। जब हम पर्सनल इसका कभी रिव्यू करेंगे इस ऐप का तो आपको इस ऐप के बारे में डिटेल में बताएँगे। सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखा, यहाँ निफ्टी का जो चार्ट है वो मिल जाएगा, फिर यहाँ मिल जाएगा FI जो है आज कैश में, जो कैश सेगमेंट है, कैश सेगमेंट में कितना बाइंग किया है या सेलिंग किया है, तो देख लीजिए 1658 करोड़ का आज सेलिंग किया है FI कैश में। और यहाँ पर जो नीचे आते हैं तो न्यूज़ मिल जाता है, आप न्यूज़ के बारे में देख सकते हैं कौन कौन से न्यूज़ आज आए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो है। तो लॉगिन कर लेना है ऐप में, हमारा लॉगिन किया हुआ है शायद, इसलिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है हमें। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लेंगे, जब ऐप का रिव्यू करेंगे तो दिखाएंगे। FIDIs एक्टिविटी आएंगे तो यहाँ डिटेल में आपको दिखाएगा FI फ्यूचर में क्या है, DI फ्यूचर में क्या क्या है, कैश में क्या क्या है। यहाँ देखिए DI जो है आज कैश में बाइंग किया है, FI सेलिंग किया है। वहीं पीछे चलते हैं तो जो 25 जून है उस दिन भी FI जो है सेलिंग किया था, DI जो है बाइंग किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पीछे का डाटा, FI जो है लगातार सेलिंग कर रहा है। 24 जून को भी FI जो देख सकते हैं सेलिंग किया था 2800 करोड़ का, और DI जो है बाइंग किया था। इस तरह से लगातार ट्रेंड आप देख सकते हैं कि FI लगातार सेलिंग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में जो है सेलिंग का प्रेशर है, और DI जो है लगातार बाइंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भी है क्योंकि दोनों एक साथ अगर सेलिंग करता तो मार्केट में काफ़ी गिरावट हो सकती थी। तो कई सारे डाटा हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स जो है उसको देख सकते हैं, यहाँ पर इंडेक्स पर क्लिक कीजिए, आज डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स जो है अब वो अप ट्रेंड रहा है या डाउन ट्रेंड रहा है उसको देख सकते हैं, जो सारे इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डील, आज कौन सा ब्लॉक डील हुआ है, बल्क डील हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग कौन सा हुआ वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे बल्क डील आज हुए हैं, फिर यहाँ ब्लॉक डील पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप इनसाइडर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको सारे जो इनसाइडर ट्रेडिंग है किस स्टॉक में हुआ है वो आपको मिल जाएंगे। फिर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ स्कैन वाले हैं उसको देख सकते हैं, इन्वेस्टर आइडियाज़ ले सकते हैं, यहाँ इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देख सकते हैं अलग अलग का, और जो डिफरेंट स्टॉक का स्ट्रेटजी है उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है केस स्टडी, देखिए केस स्टडी हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो अगर आप किसी स्टॉक का केस स्टडी को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप
यहाँ पर ये थोड़ा पेड सर्विस आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको केस स्टडी डिफरेंट स्टॉक का पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद आता है कनकॉल एनालिसिस, तो इसको पढ़ सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स, फिर आईपीओ नोट्स, डिफरेंट आईपीओ नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये फिर नीचे आते हैं, हाई डिलीवरी में यहाँ स्कैन लगा हुआ है, जो क्वांटिटी वाइज हाई डिलीवरी स्टॉक है वो देख सकते हैं। परसेंटेज वाइज पर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वाइज जो हाई डिलीवरी स्टॉक है वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम जगह आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। अब ये बाइंग का है या सेलिंग का, ये तो आपको देखना पड़ेगा जाकर के, वॉल्यूम के वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है डिक्रीज कौन से स्टॉक में हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। जो NMDC है इसमें डिक्रीज हो रहा है, यूनाइटेड ब्रेवरेज में डिक्रीज हो रहा है, गुजरात गैस में डिक्रीज हो रहा है। तो सारे जो डाटा हैं यहाँ पर डाटा को एनालाइज कर सकते हैं आप। उसके बाद जो अगला ऐप है वो है इन्वेस्टिंग इंडिया। देखिए यहाँ पर जो skinner.in है, इस वेबसाइट को मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, तो skinner.in का ऐप तो हमें नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिला हो तो आप बता सकते हैं, इसलिए मैं उसका वेबसाइट ही यूज़ करता हूँ। आप देखिए investing.com, आप इस ऐप पर जो फ्यूचर मार्केट है उसको देख सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहीं पर आपको सारे फ्यूचर इंडेक्स मिल जाएंगे देखने। देखिए डॉ जोन्स मिल गया, नेस्डेक मिल गया, बोस्पा मिल गया, ब्राज़ील का डेक्स मिल गया, FTSE मिल गया, CAC 40 मिल गया, यहाँ पर सारे इंडेक्स आपको मिल जाएंगे। या कोई इंडेक्स आपको सर्च करना है तो ऊपर यहाँ पर बार कर्सर है उसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे हम निफ्टी सर्च कर लेते हैं, देखिए निफ्टी लिखेंगे, यहाँ आ गया निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी 50, तो यही निफ्टी 50 हमारा जो सबसे मेन इंडेक्स है। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ चार्ट आ गया इसका। नीचे आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपको दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज़ होगा वो दिखाएगा। तो ये स्टॉक जो ग्लोबल मार्केट है उसके एनालाइज करने के लिए काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक को भी एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट के लिए मैं इसे यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेहतरीन इसमें खूबी और भी है, आप यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे जो खूबसूरत चीज़ें इसमें है कि यहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी जो है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी वो क्या हो कर रहा है, किस तरह से मतलब मार्केट में वो मूव कर रहा है वो देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ जो पाँचवा ऑप्शन है यहाँ मोर, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आपको लिखा हुआ मिल रहा है, देख लीजिए लाइव मार्केट में पहला ही है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पर क्लिक कीजिए, देखिए सारे बिटकॉइन आपको मिल गए। यहाँ पर जैसे लेफ्ट साइड कीजिएगा तो चेंज वैल्यू कितना है आज का वो मिल जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर सारे मार्केट कैप कितना है बिटकॉइन का। देखिए ये ग्लोबल मार्केट और जो क्रिप्टो करेंसी है इसके एनालिसिस के लिए काफ़ी बेहतरीन ऐप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा चीज़। तो ये हो गया आपका चौथा ऐप जो मैं यूज करता हूँ। और पाँचवा और सबसे जो खास ऐप है वह है ट्रेडिंग व्यू। आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेडिंग व्यू का यूज नहीं करते तो आप जैसे अपना ब्रोकर है जैसे जीरोधा हो गया, उसका भी चार्ट यूज करते हैं। जीरोधा में भी आपको यही चार्ट दिखाएगा। इसमें मैं लॉगिन किया हूँ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, आपको खुद लॉगिन करना पड़ेगा। हमारा पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो जैसे निफ्टी पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का चार्ट हमें दिखाता है। ये हमारा सेटअप है, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको यहाँ व्हाइट कलर में दिखेगा, लेकिन चार्ट इसका काफ़ी खूबसूरत है। आप इसका चार्ट यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल में देखने के लिए। अब यहाँ 5 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पर 1 डे का चार्ट यूज कर सकते हैं, 1 वीक का चार्ट यूज करते हैं। जैसे वीकली हम क्लिक कर दिए तो यहाँ पर वीकली चार्ट दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। वीकली चार्ट पर देखिए ये निफ्टी काफ़ी बुलिश है, तो आप अपने मोबाइल से भी हर चीज़ को देख सकते हैं। मोबाइल भी आजकल काफ़ी यूजफुल है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने जिस प्रकार स्टॉक मार्केट को सीखा, जिस ऐप से सीखा, वो सारे ऐप अब मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह से स्टॉक मार्केट को सीख पाएंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।